अगर आप चारकोल या ग्रेफाइट से अपना वर्क करते हैं तो उसको सेफ रखने के लिए फिक्सर का यूज जरूर करें, उससे क्या? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड मुझे इस वीडियो को बनाने में अराउंड 3 से 4 घंटे लग चुके हैं। एंड अगर आपको जानना है किन किन मटेरियल से मैं अपने आर्ट को बनाता हूँ या फिर पोर्ट्रेट को बनाता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड करके रखा है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं किन किन मटेरियल से आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अगर आप चारकोल या ग्रेफाइट से अपना वर्क करते हैं तो उसको सेफ रखने के लिए फिक्सर का यूज जरूर करें, उससे क्या होता है कि आपका वर्क पे अगर हाथ लग भी आता है तो फैलता नहीं है। सो अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, आपका भाई का चैनल है सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ नए एवं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।